तो हम बात करते हैं कि जब हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो ये जरूर पाते हैं कि इतिहास में आदिवासियों की बहुत अवहेलना हुई है, आदिवासियों को इतिहास में जगह देने का काम नहीं किया गया है। आजादी की लड़ाई को यदि हम देखते हैं तो इतिहासकारों ने आजादी की लड़ाई 1857 में आजादी की लड़ाई की शुरुआत कहा था, लेकिन यह आजादी की लड़ाई 1857 की लड़ाई यह मध्यकाल की लड़ाई थी और 1857 से 100 साल पहले ही बाबा तिलका मांझी ने 1767 में अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दिया था। यह झारखंड और आदिवासी एडवांस प्लानिंग में चलने वाले लोग हैं। हमारे बुद्धू भगत जी ने 1831-32 में कुल विद्रोह करने का काम किया था और 1855-56 में सिद्धू कानू जी ने संथाल विद्रोह, हूल विद्रोह करने का काम किया था और उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1894 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की लड़ाई लड़ने का काम किया था। हम एडवांस प्लानिंग के लोग हैं और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी पहचान जल जंगल जमीन है। और आज हमारे बड़े भाई अजय सहदेव जी कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, एक तरफ ग्लेशियर जो है गर्मी से गल रहा है और जब गलेगा तो दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जो पानी में डूब जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे यहां भूगर्भ का जल जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और हम जल के संकट को झेल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को एक न एक दिन पूरी दुनिया को आदिवासी के कल्चर को नतमस्तक होकर सलाम करना होगा, उसको प्रणाम और जोहार करना होगा, क्योंकि यही आदिवासी ये प्रकृति से प्यार करने वाले लोग हैं। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पेड़ों को काटने का काम किया तो बिश्नोई जात के लोग पेड़ों से चिपकने का काम करते थे, जान दे देते थे लेकिन पेड़ कटने नहीं देते थे। तब जाके डीएफओ और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर का निर्माण करके अंग्रेजों ने जो है हमको हमसे लड़वाने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि साथियों दोस्तों, और आज क्या हो रहा है झारखंड में, जब एक ये झारखंड का बेटा और दिशम गुरु सिनु सोरेन का पुत्र और ये गठबंधन की सरकार आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के सरकार को जनता ने चुना है और एक सरल सहज स्वाभाविक जीवन जीने वाले मुख्यमंत्री को बैठा दिया सत्ता में, तो उसको ईडी से, सीबीआई से कभी जो है अलग अलग तरीकों से अपमानित और प्रताड़ित करके ये चुनी हुई सरकार को बेदखल करने का जो साजिश होती है। हम आज आदिवासी दिवस के मौके पर कहना चाहते हैं कि यदि हिम्मत है भाजपा में तो इस चुनी हुई सरकार को वो गिरा के दिखाए। धारा 356 का हम सीधे साधे सरल लोग, हम लोग पीठ में वार नहीं करते लेकिन हम सीने में लड़ना जानते हैं, हम डरना नहीं जानते हैं। जब अंग्रेजों को भगाने का काम आदिवासी समाज कर सकता है, झारखंड के लोग कर सकते हैं, तो ये लोग यदि हम पर इस तरह ईडी और सीबीआई का अत्याचार करेंगे तो हम लोग भी इनके खिलाफ माकूल जवाब देने में सक्षम है। और मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं बंधु तिर्की जी को कि उनके द्वारा और उनके सारी कमेटी ने आज जो है आदिवासी को कैसे हम संरक्षित करें, और उन्होंने उस संस्कार को बताया, गुनगुना के बताया, समझ के बताया कि हम लोग जो है विपरीत परिस्थिति में जीने वाले लोग हैं, इसलिए हर विपरीत परिस्थिति को झेलेंगे। और हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि हम कितना भी कोई कर लेगा लेकिन कोई माई का लाल इस चुनी हुई सरकार को गिरा नहीं सकता है। वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है,
डूबता हूं तो समुंदर उछाल देता है। जब जब झारखंड पर आफत आती है तब तब झारखंड मजबूत होता है, और जब जब कांग्रेस पर आफत आती है तब तब इस देश में कांग्रेस क्रांति करती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आज के दिन में बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट रे जाते को सोवन के दुल्हार सांगुर जोहार जोहार जोहार।